हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको श्वसन की क्रियाविधि के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र या प्रणाली के विषय में बताने जा रहा हूँ। इस क्रिया में भाग लेने वाले पहले कौन कौन से कारक हैं, कोई एंजाइम हैं, सबसे पहले मैं इनके विषय में बता रहा हूँ। तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया और क्रेब्स चक्र की क्रिया में बनते हैं जो कारक, ये बनते हैं NADP2H और दूसरे बनते हैं NADPH FADEH2। इस क्रिया में इनका अपचयन हो जाता है NADP+2H आयन में, इनका अपचयन हो जाता है NAD+2H आयन में, इनका अपचयन होता है FAD+2H आयन में। इसके अतिरिक्त इसमें भाग लेने वाले साइटोक्रोम होते हैं क्रमशः, ये साइटोक्रोम हैं, ये भाग लेते हैं क्रमशः साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। इस क्रिया में फेरस आयनों का फेरिक आयनों में और फेरिक आयनों का फेरस आयनों में परिवर्तन होता है। इस क्रिया में भाग लेने वाले एंजाइम श्वसन श्रृंखला के एंजाइम कहलाते हैं। तो मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ETS ये किस प्रकार बनाते हैं। सबसे आसान आपको मैं मेथड बता रहा हूँ, इस प्रकार से इसको हम बनाते हैं। ये NADP2H का परिवर्तन हो जाता है NADP में, इसी में मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये भी यहां पर NAD2H का परिवर्तन हो जाता है NAD। FADH2 का परिवर्तन होता है FAD में, इनसे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं ये को एंजाइम क्यू, यहाँ भी ये हो जाएगा को एंजाइम क्यू, यहाँ पर ये फेरिक आयन होगा, यहाँ पर ये फेरस आयन होगा, पुनः यहाँ फेरस आयन होगा, यहाँ फेरिक आयन हो जाएगा, यहाँ फेरिक आयन होगा, यहाँ फेरस आयन होगा, यहाँ पुनः फेरस होगा, यहाँ फेरिक हो जाएगा, यहाँ पुनः फेरिक होगा, यहाँ फेरस हो जाएगा। O2 यहां बना देता है H2। ये है स्टूडेंट, इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहां पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, यहां यह क्रिया रिडक्शन होती है, यहां यह रिडक्शन, यहां ऑक्सीडेशन, यहां ऑक्सीडेशन, यहां रिडक्शन, यहां रिडक्शन, यहां ऑक्सीडेशन, यहाँ ऑक्सीडेशन और पुनः यहाँ रिडक्शन की क्रिया होती है। ये स्टूडेंट यहाँ पर यह निकलता है, यह ADP+IP ये बना देते हैं ATP, पुनः 1 2 3 यहाँ से हम छोड़ करके ये यहाँ पर पुनः
एटीपी का निर्माण होता है, यह एडीपी प्लस आईपी और पुनः एक दो तीन छोड़कर के यहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है, यहाँ पर एडीपी प्लस आईपी। इस प्रकार से यहां से लेकर के यहां तक यह 2H आयन होता है, जो आकर के यहाँ हाफ O2 से क्रिया करके H2O बना देता है। यह है इस प्रकार से स्टूडेंट, यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं, यहां से इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के द्वारा इस प्रकार से एक से लास्ट में यहां पर आ जाते हैं। तो इसमें भी हम बनाते रहे हैं, ये इस प्रकार से होगा, ये है। यहां पर हम साइटोक्रोम को भी दिखा दे रहे हैं, ये साइटोक्रोम है, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, ये साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। ये है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये NADP2H और NAD2H ये ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में एक स्थान पर 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरनडिहाइड का, जब 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में परिवर्तन होता है, वहां पर डिहाइड्रोजिनेशन की क्रिया होती है और इस डिहाइड्रोजिनेशन की क्रिया के द्वारा NADP2H बनते हैं। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में ये चार स्थानों पर NADP2H और NAD2H का डिहाइड्रोजिनेशन की क्रिया के पश्चात निर्माण होता है, जिनका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्रिया में अपचयन होकर के NAD और NADP में ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ये FADH2 एक जगह इलेक्ट्रॉन क्रेब चक्र की क्रिया में बनते हैं, इनका भी अपचयन हो जाता है FAD में, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन ग्राही है कोएंजाइम Q, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके यह साइटोक्रोम को दे देता है। इस प्रकार से फेरिक का फेरस में, पुनः फेरस का फेरिक में, पुनः फेरिक का फेरस में और पुनः फेरस का फेरिक में ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता जाता है। ये भाग लेते हैं साइटोक्रोम, क्रमशः साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। अंत में ये हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन और हाफ O2 से क्रिया करके यह H2O का एक अणु बना लेते हैं। तो यह है स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्रिया, जो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया पर स्थित जो क्रिस्टी होते हैं, क्रिस्टी के ऊपर स्थित होते हैं F1 पार्टिकल या जिनको ऑक्सीसोम कहते हैं। तो यह क्रिया उन F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम पर यह पूरी होती है। तो यह स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या जिसको कहते हैं ETS। अगर यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर, और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।